भक्त ही महाप्रभु के प्रेम में तरगत होकर के उन्होंने पूरा यमुना को चला दिया और इतने में सबके सब महाप्रभु पकड़ करके है उन्होंने नाम उन्होंने उठाए। महाप्रभु तो कोशिश कर रहे हैं अपना प्रेम को संवरण करने के लिए, लेकिन किसी तरह से प्रेम को वो रोक नहीं पा रहे, प्रेम को रोक नहीं पा रहे हैं। इतने में श्रीमद् महाप्रभु को उन्होंने अपना घर में जब लिए लेकर के, फिर रूप गोस्वामी श्री और श्री बल्लभ हैं बल्लभ अनुपम को गए महाप्रभु का चरण में उन्होंने प्रणाम किया। अभी बल्लभाचार्य कहते ये परम वैष्णव है, ये कहते श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय में पहले महाप्रभु धारा में थे, लेकिन महाप्रभु धारा में इनको इज्जत नहीं मिला, तो उन्होंने श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय में ही उन्होंने गए और वहीं से मंत्र लेकर के भगवान की भक्ति करते थे। अभी श्री बल्लभ भट्ट अभी रूप गोस्वामी और अनुपम को अभी आलिंगन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन वैष्णव का स्वभाव की एक स्वभाव है दीनता, इसलिए महाप्रभु कहते ना त्रिनादपि सुनिचेना, अभी तुम्हारा अनिक नहीं हुआ है घूम कर बैठो, त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सही सुनना अमानीनामान देना कीर्तन सदार, कर जिसकी हृदय में जितने भक्ति आएगी वो उसका अंदर में अभिमान नहीं घमंडता नहीं बल्कि उसका अंदर में दीनता आएगी, उनको ये लगेगा हम तो भगवान की भक्तों के भक्तों के भक्तों के चरण की हम धूल हैं, हर समय इनके अंदर में दीनहीन भावना आएगी है। इसलिए जब श्री रूप गोस्वामी को स्पर्श करने जा रहे थे, भले मेरे को स्पर्श मत किया करो, हम तो नीचे जाती है नीचे कर्म किया है, क्योंकि उन्होंने मुसलमान का अधीन में उन्होंने काम किए, इसलिए अपना को वो दीनहीन अपने आप को वो दीनहीन कह रहे हैं। लेकिन इसलिए मैंने चैतन्य महाप्रभु को पता है ये दीनता ही वैष्णव का भूषणता है, अभिमान भूषणता नहीं, दीनता वैष्णव का भूषण है, हर समय स्वभाव है हम दीनहीन भावना। बोले भट्टेर विस्मय हैला प्रभुर हर समन, भट्टेर कहिला प्रभु तार विवरण, या नास्पर्शिय इहो जातीय तिहीन, बैती की जाति की तुम्हें कुलीन प्रवीण। अभी ये रूप गोस्वामी अनुभव के अंदर में ये दीनता देख करके महाप्रभु बड़े खुश होते हैं, क्योंकि महाप्रभु देखते हैं मेरे भक्तों के अंदर में हर समय दीनहीन हो, इनके अंदर में कोई अभिमान नहीं है। पर महाप्रभु तो बड़े खुश हुए, लेकिन उन्होंने श्री बल्लभाचार्य को परीक्षा कर दिया, ये क्या मानता है, ये इनके अंदर में क्या भावना है, भक्तों का अंदर में तो दीन ही भावना, लेकिन ये क्या चीज भावना, इनके अंदर में क्या भावना है। तो महाप्रभु ने कहा भैया इनको स्पर्श मत करो है, क्योंकि ये अति दीनहीन जाति के हैं और तुम तो वैदिक और ब्राह्मण हो और तुम बड़े कुलीन, क्योंकि बहुत ऊंचे ब्राह्मण घर में उन्होंने जन्म लिए हैं। बल्लभाचार्य ने बोले तुम तो बड़े बहुत बड़े ब्राह्मण घर में जन्म लिए, ये तो नीचे जाति और नीचे कुल के। लेकिन बल्लभाचार्य भी कम नहीं, वो भी वैष्णव संप्रदाय में उन्होंने भागवत गीता रामायण सब ग्रंथों को उन्होंने भी पढ़ रखे। तब श्री बल्लभ भट्ट कह रहे हैं बोले दुहार मुख निरंतर कृष्ण नाम सुनी, भट्ट कहे प्रभुर किछु इंगित भंगी जानी, दुहार मुख कृष्ण नाम करी चिनतर ए दुई अधम नहि है सर्वोत्तम। कहते प्रभु आप उनको दीनहीन नहीं कह सकते हो, बोले क्यों, बोले जिसकी जीवा में कृष्ण नाम कीर्तन करता है तो अधम नहीं हो सर्वतम है। तो उन्होंने भगवान कपिल देव अपना माँ को जो कृष्ण नाम की उन्होंने महिमा बताए
तो उन्होंने एक श्लोक को उच्चारण करके बोला, बोले कपिल देव अपना माँ को कह रहे हैं जिसकी जीवा के अग्र में संपूर्ण जीवा नहीं, जिनकी जीवा के अग्र में कृष्ण नाम कीर्तन करता है वो साधारण नहीं। बोले अहो बद सपो चतु गरिया जत जिहाग्र वर्तते नाम तुभ्यम, कहते संपूर्ण जीवा नहीं जिनकी जीवा के अग्र देश में हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, जो कृष्ण नाम करता है। बोले क्या समझो? बोले अहो अहो बहुत बड़े भाग्यवान, जैसे कोई आश्चर्य चीज को देख करके तो क्या आश्चर्य कहते हैं ना, इसका मतलब है जो व्यक्ति कृष्ण नाम कीर्तन करते अहो, अगर वो व्यक्ति चंडाल क्यों नहीं हो, अगर उसकी जुहा के अग्र देश में कृष्ण नाम उच्चारण हो रहा है, फिर क्या समझो वृत्ते उस तप पर, समझो उसने पूर्व जन्म में सारे तपस्या कर चुका है, हैं? और पूर्व जन्म में जुहू मतलब सब यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ पार्थ यज्ञ और जितने सब यज्ञ हैं उन्होंने पूर्व जन्म में सारे यज्ञ कर चुके हैं, और सस्नो बोले पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है सारे तीर्थ में उसने स्नान कर लिया है, और ब्रह्मा जो नाम त्रिनित जेते और पूर्व जन्म में उसने सारे तपस्या तप यज्ञ दान उसने पूर्व जन्म में सब कुछ कर चुका है, तभी किसी जीवन में कोई कृष्ण नाम करता है। इसलिए आप लोग जो कृष्ण नाम कर रहे हो ना, इसका मतलब है वो साधारण व्यक्ति नहीं, कृष्ण नाम करने वाले साधारण व्यक्ति नहीं। आप देखना किस किस को कृष्ण नाम में रुचि नहीं होता है, हैं? इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे, एक माता जी अंतिम सज्जा में लेट होगी, दैया रे मैया रे, बेटे को देखना नाती को देखना पोती को देखना सब बोल रहे थे, उनको बच्चों ने कह रहे थे माता जी हम सब कुछ देख लेंगे कोई चिंता नहीं, थोड़ा राम राम राधे राधे बोल दो, इतना बात मेरे मुंह से नहीं निकल रहा है, इतना सब बात है इतना बात मेरे मुंह से 10-20 शब्द बोल दिया लेकिन थोड़ा राम और कृष्ण राधे मुंह से नहीं निकला, क्योंकि जो पापी होते हैं ना गुरु जी उनके मुंह से कृष्ण नाम नहीं निकलती है। बैठ करके दुनिया की सारी बात भगवत भगवत कर लें लेकिन कृष्ण नाम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोग जो भक्ति में आए जो हरि नाम कर रहे हो बहुत भाग्यवान है। यहाँ पर देखो जनकपुर में कितने लोग हैं, कितने लोग भरे पड़े हैं, लेकिन मंदिर में कितने लोग आ गए? बोले क्यों ये सबके सब क्यों नहीं आए? बोले कारण है सुकृते ही पूर्व संचित ही सत्संग प्राप्त पूर्वी सुकृते ही पूर्व संचित ही, तभी ये सत्संग में रुचि होते हैं। पूर्व पूर्व जन्म का अगर उनकी सुकृति हो तभी कोई भक्ति में आ सकते हैं। इसलिए भक्ति में आने वाले व्यक्ति बड़े सौभाग्यवान। तब उन्होंने बल्लभाचार्य ने श्रीमद् भागवत से ये श्लोक उन्होंने उच्चारण करके बोले प्रभु आप उनको नीचे जाति कह नहीं सकते हो, कह नहीं सकते ये नीचे जाति, ये सर्वतम ये सर्वश्रेष्ठ, क्यों? जिसकी जीवा की अग्र देश में कृष्ण नाम कीर्तन हो रहे। सुनी महाप्रभु तारे बहु प्रशंसिला प्रेमाविष्ट है या श्लोक पढ़ी तला। महाप्रभु ये बात सुनकर के प्रेम की गदगद हो गए, बड़े खुश हो गए। खुश होकर के तब फिर महाप्रभु ने भी दो तीन श्लोक उच्चारण किया। देखो जो भगवान की भक्ति करते हैं वो कितने सौभाग्यवान। महाप्रभु भी कुछ शास्त्र से श्लोक बोले, बोले क्या श्लोक बोले? बोले सुचि मद भक्ति दिव्याग्नि दर्थ दुर्जाति कलमस सोपाक अपि मुदय श्लाघ नवेतज्ञ अपि नास्तिक। इसका मतलब है भगवान की भक्ति जो करते हैं जगत में अगर पवित्र वस्तु कुछ है क्या है? भगवान के प्रेम,
इससे पवित्र वस्तु जगत में कुछ है नहीं। भगवान प्रेम को ही सबको श्रेष्ठ माना, इसलिए कहते हैं ना सबसे ऊंची प्रेम सदाए, सबसे ऊंची प्रेम सदाए। इसलिए केवल प्रेम बस चैतन्य दोषा, प्रेम ही सर्वोत्तम है ना, भगवान प्रति प्रेम ही सर्वोत्तम है। इसलिए कहते हैं भगवान की भक्ति कैसे है, जैसे एक आग है, जैसे एक आग है, जैसे किसी आग में आप कोई भी चीज डाल दो तो जला करके राख कर देते हैं। कहते हैं जो भगवान की जो भक्ति ये एक आग की बराबर है, भले ही तुम जितने भी कृष्ण जाति में जन्म क्यों नहीं हो, जितने तुम्हारी दुर्जाति क्यों नहीं हो, अगर कृष्ण भक्ति रूपी अगर आग में अगर आप छलांग लगा दोगे तो जैसे आग सब कुछ जला करके राख बना देती है, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में आ जाती है, हाँ भगवान की भक्ति में आ जाती है, भक्ति उसको जितने दुर्जाति को नष्ट करके और भक्ति उसको सर्वोत्तम बना देती है। अब देखो सबरी का देखो कहाँ कितने निकृष्ट जाति के, लेकिन भगवान कहते झूठे मेरे सबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताई सबसे ऊंची प्रेम सर। भगवान ये नहीं देगा छोटे जाति नहीं देगा, भगवान उसकी झूठे बैर तो खा ले। इसलिए धरे खाए सबसे ऊंची प्रेम सर। इसलिए उन्होंने वहां पर कृष्ण कहाँ पर खाए, बोले साग विदुर धरे खाए, उन्होंने उन्होंने जाकर के छोटे जाते घर में, इसलिए उनको घर में जाकर के वहां भगवान सात भाजी खाए, लेकिन दुर्योधन को उन्होंने विवाह त्याग किया। इसलिए जहां जहां भगवान की भक्ति प्रकट हो गई, प्रकट होने पर उनकी सारे दुर्जाति को नष्ट करके उन्होंने उनको सर्वोत्तम बना दिया। इसलिए प्रेमानंद ठाकुर ने एक बड़ी सुंदर भजन लिखे बगला में, कहते हे मन, कहते हे मन की करे वारणा कोला, जय को लेके ना जन्म नहाय, केवल भक्ति मोला, कभी भूल धन्य वीर हनुमान श्री राम भक्त राज राक्षस हरिया विभीषण वैसे ईश्वर सभार मान। मंगला संधि में आ रही कुछ आ रही या कहते मन की करे वर्ण को, यहाँ पर कह रहे मान तुमने ये कुल को कैसे सर्वश्रेष्ठ मान दिया। बोले बंद हनुमान जी कौन सा वंश में जन्म हुए, बोले बंदर, हनुमान जी बंदर है। अरे देखो घर घर में हनुमान जी को पूजा करते ना, कोई बंदर को पूजा करता है, घर में अगर कोई बंदर आ जाए बोले घर अपवित्र हो गया, लेकिन देखो हनुमान जी घर घर में पूजा हो गई। विभीषण राक्षस है, लेकिन देखो राम की शरण में आ गए, उन्होंने प्रभु राम की शरण में आए। इसलिए उदाहरण देते हैं रावण ने जिस लंका को पाने के लिए, रावण ने लंका को पाने के लिए क्या किया, कठोर उन्होंने तपस्या की, 10 बार सर्प काट करके दे दिया, पता नहीं कितनी कितनी तपस्या की तभी जाकर के लंका को प्राप्त की। लेकिन विभीषण केवल प्रभु राम के चरण में एक बार उन्होंने सर्प झुका दिया, भगवान उसको राज कर दिया। इसका मतलब है अगर प्रभु के शरण में एक बार आ जाओ ना, बात मलाई मान तुमको सब कुछ जीवन में सब कुछ मिल जाएगी। इसलिए जब श्री राम दरबार लगता है, राम दरबार लगता है, भगवान विभीषण को कौन सा स्थान देते हैं, बराबर तो मित्र है ना भगवान की, इसलिए राम दरबार में भगवान उसको बराबर आसन देते हैं, सुग्रीव को उन्होंने बराबर आसन देते हैं, और प्रहलाद महाराज राक्षस कुल में जन्म हुए, लेकिन उन्होंने भगवान की भक्ति की, भक्ति की तो देखो सर्वोत्तम बने गए, सर्वोत्तम बने गए। इसलिए कि यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भगवान की जो भक्ति ये एक आग है, और दुर्जाति क्यों में क्यों नहीं हो,
लेकिन प्रभु की भक्ति में भी अगर आग में छलांग लगा है भक्ति में, कहते तो उसका जितने दुर्जात नष्ट हो जाता है, नष्ट होकर के सोपाक मतलब होता है जो चंडाल, जो कुत्ते का मांस कोई नहीं खाते हैं, लेकिन ये चंडाल लोग कुत्ते का मांस खाते हैं, लेकिन वो चंडाल व्यक्ति जो है वो उसको सर्वश्रेष्ठ बना देता है अगर प्रभु की भक्ति में आ गए। लेकिन वेदज्ञ अपि, लेकिन सब वेद को कोई पढ़ रखे लेकिन भक्ति में कोई रुचि नहीं, कहते वो नास्तिक विकार, उनका जीवन में विकार है। कहते मद भक्ति हीनस्य भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र जपस तप अप्राणश्चैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। एक बढ़िया श्लोक महाप्रभु कहता है, महाप्रभु कहते हैं भगवत भक्ति हीनस्य, तुम्हारे अंदर में सारे गुण विद्यमान, सारे गुण विद्यमान, बड़े दयालु, बड़े कृपालु, बड़ी सबको मदद करते हो, हाँ किसको द्रोह नहीं करते हो, सबको बराबर देखते हो, कोई दोष नहीं, सब कुछ तुम्हारे अंदर में, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर में भक्ति नहीं, हाँ इसलिए बताए वैष्णवों का 26 गुण है, कितना गुण है वैष्णवों में 26 गुण उनके अंदर में, लेकिन जितने सारे गुण है ना, कहते ये अंग है, लेकिन जो एक गुण अंगी, आप लोग समझ रहे हो क्या समझे, क्या समझे, कहते उनमें 26 गुण वैष्णव का, लेकिन उनके जो तटस्थ लक्षण है, कहते ये तटस्थ लक्षण 25 गुणों में भी तटस्थ लक्षण है, लेकिन एक जो गुण है कहते हैं स्वरूप लक्षण। ये चीज को अच्छी तरह समझो, अच्छे तरह से चीज को समझो, मैं कल मैं पूछूंगा क्या समझे मेरे को बता दें। कहते उसमें जो 25 जो क्वालिटी है, कहते कई तटस्थ लक्षण मतलब बाहर का लक्षण है, लेकिन उनमें केवल एक जो लक्षण है वो स्वरूप लक्षण, मतलब वो सही लक्षण है। अगर इसकी अंदर में 25 गुण है, 25 लक्षण है, अगर उसके अंदर में अगर एक गुण नहीं होना वो 25 लक्षण देता है, लेकिन आपके अंदर में ये 25 लक्षण नहीं है, लेकिन आपका अंदर में केवल एक गुण है, ये जो 25 जो गुण है ना लक्षण है, वो अपने आप तुम्हारे अंदर में अपने आप आ जाए। बोले वो क्या चीज है, वो क्या चीज है, बोले एक समझो एक जगत का एक व्यक्ति का अंदर में बड़ी दया की भावना होती है, सबको बराबर देखता है, सबको आदर देता है, किसकी दोस्त नहीं देखता है, बड़े बदान में है, अकृत हो सत्य सार सम्मान निर्दोष बदान सूची बड़े पवित्र है, अकी जगती भी नहीं, सब गुण उसका अंदर में, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं, कृष्ण का शरण नहीं, कृष्ण के चरण में एकांत की शरणागति है। कहते उसका जो 25 लक्षण बिगाड़ जाए, उसकी 25 लक्षण बिगाड़ जाएगी, लेकिन भक्तों का अंदर में कुछ गुण नहीं, केवल एक गुण उसका अंदर में कृष्ण का शरणम, क्या है कृष्ण का शरणम। ठीक से बैठो, इसलिए कहते उसके अंदर में कृष्ण का शरणम, चौक खुलकर बचो आंख में ऊपर रखा, इसलिए उसके अंदर में एक गुण है वो एकनिष्ठ कृष्ण के चरण में शरणागत है, बात सब गुण उसका अंदर में है, अपनी आप उसका अंदर में। कहते जैसे एक रानी जब चलती है ना, देखना उनको साथ उनको दास दासी सेवक उसको साथ साथ में चलती है, कहते उसी तरह जो भक्ति है ये एक रानी है, अगर भक्ति जब चलती है और जितने सब छोटे मोटे सेविका सेविका है ना उनका दास दास अपने आप, मतलब भक्ति करे तो उसके अंदर में सारे गुण अपने आ जाए। इसलिए महाप्रभु के उदाहरण दिए, जैसे एक मरा हुआ शरीर, लेकिन उसको पूरा सोने के हीरे जवाहरात से पूरा उसको शरीर को सजा दो, बताओ कोई महत्व है, कोई महत्व नहीं। इसलिए इसका मतलब है एक व्यक्ति के अंदर में भक्ति नहीं, लेकिन और सब कुछ उसके अंदर में है, लेकिन वो सबके सब बिना है, लेकिन कुछ नहीं तो केवल भगवान की भक्ति करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे।
हरे राम 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 हरे हरे। प्रबोध प्रेमा भेष आर प्रभाव भक्ति सार, सुंदर जाति देखी भक्ते हई न चमत्कार। श्रीमद महाप्रभु शरीर के अंदर में जब श्री बल्लभ भट्ट ने भक्ति के दिव्य लक्षण को देखा, अद्भुत अद्भुत महाप्रभु का शरीर में अद्भुत अद्भुत उनके प्रेम का लक्षण दिखा। ये अद्भुत प्रेम का लक्षण किसका अंदर? राधा रानी के अंदर, राधा रानी के पूर्ण। अभी कृष्ण एक राधा जी भाव अंकर के लेकर के आए ना, इसलिए उनके अंदर में इस दिव्य भावना को देख करके जो बल्लभ भट्ट, उन्होंने सारे शास्त्र पढ़े ग्रंथ पढ़े, प्रेम का लक्षण होता है, लेकिन जिंदगी में कभी ये सब चीज कभी देखे ही नहीं। जीवन में पहला बार उन्होंने महाप्रभु शरीर में ये सब चीजों को देखा, देख देख कर हैरान हो रहे थे, बोले भगवान हमने बहुत साधु देखा है, लेकिन ऐसे साधु हमने नहीं देखा। कृष्ण प्रेम में इतने गदगद है, कृष्ण प्रेम में ऐसे पागल है। बोले उन्होंने किया क्या? बोले सगड़े प्रभु रे भट्ट नौका ते चढ़ाया, भिख्या दीते निज घरे चली लालैया। जमुना अर्जुन देखी चिकन श्यामल, प्रेमा बेश महाप्रभु हईल विभोर। हुंकार करी जमुना जल दिला जा, प्रभु देखी सवार मने हईल भय का। अस्ते व्यस्ते सबे धनी प्रभु रे उठाइल, नौका रूपर प्रभु नाचीते लागिल। महाप्रभु भय नौका करे टल मल, डूबित लागिल नौका झलक भर जल। जत्ते भी भटराग प्रभुर धर्ज हिल, दुर्बार उद्भट प्रेम नहीं संवरण। इसलिए महाप्रभु को अंदर के दिव्य अद्भुत चमत्कार देख करके वेंकट भट्ट आश्चर्य हो रहा था। फिर महाप्रभु जब नाव में बैठा कर ले जा रहा था, और महाप्रभु तो प्रेम में पागल है, यमुना नदी को देख करके उनको कृष्ण के स्मरण आया। कृष्ण स्मरण आया तो छलांग लगा दिया यमुना ने, छलांग लगा दिया। तो इतने में उन्होंने क्या क्या महाप्रभु को पकड़ करके उन्होंने फिर नौका में उठाए, और महाप्रभु प्रेम में कभी नाचे कभी गाए कभी उन्माद जैसे उन्माद जैसे छलांग लगाए, जिसको महाप्रभु किसी तरह से उन्होंने संभाल करके रखे, संभाल करके उन्होंने। फिर महाप्रभु ने देखा, बोले भैया ये प्रेम को जहाँ तक नहीं दिखानी चाहिए। महाप्रभु ने कोशिश की अपना को धीरज धारण करने के लिए, उन्होंने कोशिश की। फिर महाप्रभु को लेकर के आड़ाई है, आड़ाई जो ग्राम है, बल्लभाचार्य के गांव का नाम आड़ाई ग्राम है। फिर वहीं पर महाप्रभु उतरे, और उन्होंने महाप्रभु को लेकर के फिर उन्होंने घर में प्रसाद सेवा कराया। यहाँ पर कह रहे हैं देखो, जब कोई शुद्ध वैष्णव का हम सेवा कराते हैं, बड़ी भाग्य से कहीं शुद्ध वैष्णव का सेवा कर सकते हैं, है? बड़े भाग्य से कोई शुद्ध वैष्णव को हम सेवा करा सकते, क्योंकि कृष्ण स्वयं कहते हैं अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो क्या करो, मेरे भक्त को खुश कर दो। क्योंकि भक्तों का हृदय में ही भगवान का निवास, भक्तों का हृदय में। अगर कोई भगवान की शुद्ध भक्त अगर प्रसन्न हो जाए, समझो क्या हो गया, भगवान हमारे ऊपर, भगवान प्रसन्न हो गए, ठाकुर जी हमारे ऊपर, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। इसलिए श्री नृत महाराज भागवत कथा आती है ना, नृत महाराज गिरगिट बन करके पड़े हुए थे कुएं में, लेकिन कृष्ण का चरण स्पर्श होते ही उसने सुंदर एक देवता रूप धारण किया। बोले भैया आप गिरगिट क्यों बने हुए थे? क्योंकि उन्होंने इतने दान गैया दान दिया, जो गैया को उन्होंने एक बछड़ा जन्म दिया, और ऐसे इतने गैया दान दी, बोले पृथ्वी का धूल कणा को कोई गिन सकता, बारिश का बूंद को कोई गिन सकते, लेकिन उन पर दान ही कोई नहीं गिन सकते। लेकिन ये दान का फल थोड़ी कृष्ण दर्शन, दान का फल कृष्ण दर्शन नहीं है। दान का फल तो ब्राह्मण को कर्म करने, ब्राह्मण को दान दोगे स्वर्ग जाओगे, मोहल्लों को जाओगे, जनलों को जाओगे, फिर जगत में फिर यहीं पर आओगे। लेकिन इनको दर्शन कैसे हो, कृष्ण दर्शन कैसे हो? केवल एक कार्य था, एक बार केवल एक शुद्ध भक्त को उन्हें भोजन कराया, केवल उन्होंने एक शुद्ध भक्त को केवल उन्होंने भोजन कराया, और उन्होंने एक भागवत ग्रंथ उनको प्रदान की। इतनी सी फल से उनको कृष्ण दर्शन मिला।
इसलिए यहाँ पर कहते हैं बल्लभाचार्य परम वैष्णव, वो सारे वैष्णव का लक्षण जानता है, बहुत बड़ा विद्वान है, लेकिन महाप्रभु का अंदर में इस दिव्य लक्षण को देख करके, दिव्य लक्षण को देख करके उन्होंने बड़े प्रसन्न हुए, अहो भाग्य, अरे इतने बड़े वैष्णव घर में लेकर के उनको भोजन कराना, सेवा कराना, बस अगर वैष्णव का अगर सेवा कर दिया, वैष्णव खुश होंगे तो भगवान अपने आप खुश होंगे, ठाकुर जी अपने आप ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए श्री बल्लभाचार्य महाप्रभु लेकर गए, महाप्रभु का चरण भाई बहुत बड़े विद्वान, बल्लभाचार्य बहुत बड़े विद्वान, जो विष्णु स्वामी संप्रदाय में जो प्रचार हैं मथुरा में उनकी धारा में सबके सब बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े विद्वान, वो सबका आदर करने वाले नहीं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण तेजस गिनतम मने साधरिय, जिसकी मुंह में एक बार कृष्ण नाम निकलता है उसको क्या करो, मन में आदर करो। दीक्षा तिश्चे, जो सदगुरु से दीक्षा लेकर भजन कर रहे हैं तो उसको प्रणाम करो, लेकिन जो व्यक्ति अन्यत्र निंदा सुनम, जो कभी किसकी निंदा नहीं करते हैं, कभी किसकी बुराई नहीं करते हैं, दिन भर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कहते ऐसे भक्तों को क्या करें, ऐसे भक्तों को सेवा करो, ऐसे भक्तों को सेवा करनी चाहिए जिसमें हमारी कल्याण हो। इसलिए श्री बल्लभाचार्य महाप्रभु को पा करके बड़े प्रसन्न हुए, महाप्रभु का चरण धोए, क्योंकि कारण क्या है, कारण है भक्तों का अगर चरणामृत लो, भक्तों का चरण धो के लिए चरणामृत लो, श्री नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो, भक्त पद धुले आर भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष तिन्ही साधन रेवा, मतलब अगर भगवत प्रेम को भक्ति को पाना चाहते हैं तो जो तीन चीज है ना बड़े जोर जबरदस्त काम करता है, तीन चीज क्या है, एक तो भक्तों का चरणामृत, दूसरा उनकी चरण भूलि, और तीसरा उनकी अधरामृत कथा और उनकी प्रसाद, कति तीन चीज जल्दी से जल्दी भगवत भक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए बल्लभाचार्य को अपना जीवन पर धन्य माने, और इतने बड़े संत महाप्रभु कौन है, कृष्ण है, और राधा जी की भाव अंका से लेकर के आए, राधा रानी कौन है, जो कृष्ण का आराधना करती है वो प्रेम स्वरूप, और इस महाप्रभु कौन है, अंत कृष्ण बहिर्गौरव, अंदर में तो कृष्ण है लेकिन बाहर में गौरव, ऊपर राधा रानी का अंगीकार दी, और इतने बड़े वैष्णव कहीं मिलेगा राधा रानी जैसे, और राधा रानी का मतलब उनके चरण धोए, तो राधा रानी की चरण किसके धोए, श्री किशोर जी के चरण धोए हैं, और राधा रानी की चरण में तो हाँ, इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं बोले ब्रह्मी स्वरादि सुगुरु पदारविंदम श्रीमद पराग परमाद्भुत वैभवाय, प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कहते राधा जी की चरण कैसे, बोले ब्रह्मी स्वरादि सुगुरु पदारविंदम, जिनकी चरण ब्रह्मा के लिए दुर्लभ है, शंकर के लिए दुर्लभ है, नारद के लिए दुर्लभ है, उद्धव के लिए दुर्लभ, कभी कभी कृष्ण के लिए भी दुर्लभ है, कृष्ण राधा रानी चरण है ना, कभी कृष्ण के लिए भी दुर्लभ होता है, राधा रानी जब मान करती है ना कृष्ण पता नहीं क्या क्या रूप धारण करते हुए राधा रानी को बनाना चाहते हैं, क्या क्या रूप धारण करते हुए, कभी कभी तो कृष्ण राधा जी की चरण को अपना हृदय में भी कृष्ण धारण करते हैं। इसलिए हम चावट जाते ना चावट, चावट गए कौन कौन गए जाते, तुम गए कि नहीं, तो जीवन में क्या किया तुमने, इसलिए उन्होंने जावट नाम क्यों पढ़ा, बोले कृष्ण स्वयं अपना हाथों में राधा रानी के चरण में महावट लगाए, मेहंदी लगाए, और उन्होंने राधा जी के चरण को अपना हृदय में धारण किया, वो जावक रस को, तभी कृष्ण को रसिक शिखर कहते, रसिक शिखर कहते, इसलिए तब उन्होंने सब परिवार में महाप्रभु का चरण धोए, और अपना चरणामृत परिवार को साथ में लिए, बोले हमारे अहो भाग्य है आज इतने बड़े साधु जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम उथल रहा है, आज हम इनकी सेवा हमने किया, हमारे सगण में परिवार ने हमारे धन्य हो गया, हमारे परिवार हमारी धन्य हो गया है। फिर महाप्रभु ने
गंध पुष्प धूप दीपे महापूजा कैल। महाप्रभु को उन्होंने बड़े सुंदर आरती उतारे, चरण में उन्होंने फूल दिया, महाप्रभु के चरण की उन्होंने सेवा की, बोले महापूजा कैल। भट्टाचार्य जरा मान्य करी पाप कराइल और उन्होंने महाप्रभु का आज घर में भक्त आए हैं, इसलिए अपना घर में ना बढ़िया बढ़िया चनाचन भजन कराया है, सुंदर उन्होंने प्रसाद बनाया, प्रसाद बना करके उन्होंने श्रीमद महाप्रभु को भोजन कराए और उनका जो अवशिष्ट बच गया तब उन्होंने रूप और अनुपम को उन्होंने ये प्रसाद उन्होंने उनको प्रदान किया है। भट्टाचार्य रूपे देवाइल अवशेष तब से ही प्रसाद कृष्ण दास पाइल शेष। महाप्रभु साथ में उनका एक सेवक था जिनका था नाम था कृष्णदास, फिर लास्ट में उन्होंने महाप्रसाद को फिर कृष्णदास को मिला, फिर उसको बाद में महाप्रभु प्रसाद को बाद में ना मुखवास, मुखवास नहीं तो जैसे लास्ट में मुख शुद्धि के लिए जैसे हम सौंप लेते हैं ना, मिश्री सौंप लेते हैं, कोई सुपारी लेता है, लेकिन महाप्रभु क्या लेते थे, हरितनि, क्या लेते थे, हरितनि समझते हो, हरिया 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 बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, हाँ उसको कहते ये जो चीज़ है ना बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको कहते कुछ कहते हैं, उसको कहते हैं कदापि कुप्यत माता न कुप्यत हरितनि, बोले वो इतने बढ़िया चीज़ है, त्रिफला कहते हैं ना, त्रिफला जो त्रिफला में ये एक चीज़ है, वो सबसे बेस्ट दवा है, कहते तुम्हारे ऊपर कभी मैया कभी क्रोध कर सकती हैं, लेकिन जो हरिड़ा है ये कभी तुम्हारी हानि नहीं करेगा, मतलब इसको अगर खाओ ना शरीर को इतने लाभदायक देगा, ये कभी शरीर के ऊपर भी बुरा असर नहीं कर सकते, कभी माँ तुम्हारी ऊपर बिगड़ सकती, लेकिन ये कभी बिगड़ेगी नहीं, इसलिए महाप्रभु खाने के बाद उन्होंने उसको ले ओ, तुम्हारी हजम शक्ति बढ़ेगी, हजम शक्ति तुम्हारी बढ़ती है, हेल्थ तुम्हारी अच्छा रहती है, इसलिए महाप्रभु ने उसको ग्रहण करते थे। प्रभु पाठाई लतारे करी ते भोजन, भोजन करी आई लाते हो प्रभु रचरण, हे नकाले आईला रघुपति उपाध्याय तिरुहिता पंडित बड़ वैष्णव महाशय। इतने में एक व्यक्ति जिनका नाम था रघुपति उपाध्याय, कहते ये बड़े वैष्णव हैं और बड़े विद्वान भी हैं, वैष्णव समाज में बहुत बड़ा विद्वान है, लेकिन जब उन्होंने आए आसीते हो कैला प्रभु चरण बंदन कृष्ण मति रहो बली प्रभु बचन, उन्होंने महाप्रभु को प्रणाम किया। जब किसी साधु का आप प्रणाम करो तो क्या देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बोले क्या आशीर्वाद देते हैं, बोले भगवान के चरण में तुम्हारी मति हो, समझो ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है, ये नहीं तुम्हारी बेटा बेटी दुनियादारी फलगत भी, साधु कभी ये चीज़ आशीर्वाद नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पता ये सब बंधन रहता है, और कृष्ण भक्ति केवल ही ऐसे वस्तु है जो हमें जीवन में शांति और सुख प्रदान करता है, इसलिए बोले भैया तुम्हारी मति कृष्ण में रहे, उसको सुन कर तो वो थे वैष्णव, बड़े प्रसन्न हो गए, बोले वाह हमें वैष्णव जब हमें ये आशीर्वाद दे, भैया तुम्हें कृष्ण भक्ति मिल जाए, बस उनका आशीर्वाद फल जाता है, केवल अगर फोल देना है हृदय से तुम्हें है, क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं बोले वैष्णवे आवेदने, बोलो क्या उसके बाद कृष्ण दया माया, अगर हम डायरेक्ट ठाकुर जी को प्रार्थना करेंगे ना, ठाकुर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे, लेकिन हमारी हो करके अगर कोई वैष्णव हमारे प्रति प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, और उन्होंने हमारी हो करके ठाकुर जी को प्रार्थना कर देना, ठाकुर सुन लेते हैं, बोले वैष्णव प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान को तो सुनना ही पड़ेगा, वैष्णव को सुनना ही पड़ेगा, इसलिए हमारी भक्ति जगत में जो ना कृपा सबसे बड़ी चीज़ है, हम संतुष्ट भगवान को नहीं कर सकते, अगर किसी शुद्ध भक्तों को अगर हमने खुश कर दी, वो अगर हमारे प्रति प्रसन्न होकर के ठाकुर को प्रार्थना कर दे, ठाकुर जी आप इनको पर कृपा करो, बस हमारी काम बन जाएगी, हमारी काम बन जाएगी, इसलिए उन्होंने जब आशीर्वाद दिए कृष्ण को चरण में तुम्हारी मति हो, बड़े सुंदर प्रसन्न हो गए हैं, बड़े प्रसन्न हो गए। इतने में महाप्रभु को बड़े सुंदर प्रश्न करते हैं, बड़ा सुंदर बात है,
महाप्रभु ने कहा सुनी आनंदित है लो उपाध्याय मन प्रभु तारे कहिल कर कृष्ण रे वर्णन। तो उन्होंने बोले थोड़ी सी कृष्ण का वर्णन ना करोगे, थोड़ी कृष्ण के बारे में तुम बताओगे। तो उन्होंने स्वयं एक श्लोक लिखा था, फिर उन्होंने जो स्वयं एक श्लोक लिखे थे फिर उन्होंने महाप्रभु को बोले और महाप्रभु सुन करके प्रेम में गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। देखो वो श्लोक क्या है, हो सकता है श्लोकों की याद कर लेना। बोले श्रुति मपरे स्मृति मितरे भारत मन्ने भवन्तु भवभीता अहम् अनंदम वंदे जस्यालीने परम ब्रह्मा। ये श्लोक मैंने बताया जिसको सुन करके महाप्रभु के प्रेम में एकदम गदगद हो गए। बोले क्यों, इसमें है क्या चीज? यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो भले ही कोई श्रुति को कोई वंदना करे, कोई स्मृति को वंदना करे, कोई महाभारत को वंदना करे, कोई भव से मतलब भवसागर से डरते हुए हैं, अगर ये भले किसी किसी को वंदना करे, किसी को पूजा करे, लेकिन तब मैं नंद बाबा को पूजा करता हूँ। भले नंद बाबा को भी पूजा करते हैं, बोले कारण है बोले जस्सा लिंद परम ब्रह्म। कृष्ण कौन है कहते पूर्ण ब्रह्म सनातन कृष्ण, कृष्ण पूर्ण ब्रह्म सनातन है। कहते ना यद्यपि समाधिषु विधिरपि वसति न तव नथाग्र मरीचि। बोले जिनकी चरण कमल को छटा को ब्रह्मा जैसे व्यक्ति भी दर्शन नहीं कर पाते हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश चाहे निरंतर ध्याने। बोले ब्रह्मा शंभु अमरपति गणेशार्चित, जिनकी चरण कमल ब्रह्मा शंकर नारद उद्धव के लिए जो दुर्लभ जो कृष्ण, लेकिन वो कहते कृष्ण क्या कर रहे हैं? बोले नंद बाबा का जो आलिंदा है उनका जो आंगन में खुटुर पर चलते हैं, उनके आलिंदन में जिस भगवान को पाने के लिए वेद पुराण उपनिषद जिनकी वंदना करते हैं, हैं जय 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 जा उसमें कहते हैं जिनको वंदना करते हैं। लेकिन आज भगवान कहाँ पर? बोले नंद बाबा का आंगन में गुठन पर हैं, ठुमुक ठुमुक करके चलते हैं, कभी गुठन पर चलते हैं। नंद बाबा करते लाला कन्हैया थोड़ा मेरे खड़ाव ला दोगे, कृष्ण ठुमुक ठुमुक करके जाते हैं और खड़ाव को बड़े कष्ट से उठा करके और अपना सर पर रख करके ठुमुक ठुमुक करके आते हैं। नंद बाबा इतने प्रसन्न हो जाते, बोले देखो मैंने कहा लाला को ले आ खड़ाव, हाथों में नहीं ला सर पर रख करके, मतलब बेटा जब बड़ा होगा ना पिताजी की बड़ी सेवा करेगा। पिता माता की हर पिता माता सोचते हैं ना बेटा बड़ा होकर के पिता माता की सेवा करे, हमारा बेटा बड़ा सेवा करेगा, बड़े प्रसन्न बड़े और खुश हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने ये जो श्लोक को बोले महाप्रभु तो इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। तब आगे कहे प्रभुपाद के उपाध्याय कहल रघुपति उपाध्याय नमस्कार कहल। तब श्री रघुपति उपाध्याय ने उन्होंने श्रीमान महाप्रभु को उन्हें प्रणाम किया, उनको आशीर्वाद दिया। इसलिए कल हम सुनेंगे महाप्रभु को, महाप्रभु को तीन चार प्रश्न करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न करते हैं, हैं बढ़िया बढ़िया प्रश्न करते हैं। कृष्ण लीला के ऊपर में प्रश्न करते हैं, हैं इसलिए भगवान की श्रेष्ठ धाम कौन सा, भगवान के श्रेष्ठ नाम कौन सा, भगवान की श्रेष्ठ लीला कौन सा, भगवान की श्रेष्ठ रूप क्या है। तो उन्होंने चार उन्होंने प्रश्न किया है, तो उन्होंने इसका उत्तर उन्होंने रघुपति उपाध्याय दिए, जिसको सुन करके महाप्रभु इतने खुश हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, क्योंकि महाप्रभु उसको द्वारा स्थापन करना चाहते हैं जगत में कृष्ण का नाम सबसे कौन सा श्रेष्ठ, धाम कौन सा श्रेष्ठ, सबसे लीला कौन सा लीला, और भगवान की सबसे उम्र में उनकी तीन उम्र है लेकिन उसमें सबसे श्रेष्ठ उम्र क्या है। महाप्रभु उनकी मुखारविंद से हम लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं, इसलिए कल हम इस विषय पर श्रवण करें। ठीक है, बोले निताय गौर प्रेमानंदे हरी हरी गो। बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.